हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। ये देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में 9000 ANM की भर्ती होगी, और साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो है आवेदन करने के लिए इंटर पास साइंस साइड जो है होना बाध्य ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसमें साफ साफ बताया गया इंटर जो पास होते हैं वो बहुत से कहते हैं कि साइंस साइड इसमें होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल आर्ट वाले भी जो हैं इसमें साइंस साइड की बाध्यता है वो ख़त्म कर दी गई पूरी तरीके से। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पर भी जो है तो बताया गया है कि इसमें लिखा हुआ है अस्पतालों में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद। ठीक है, तो अस्पतालों में किसकी होती है, ANM और GNM की। ठीक है, तो इसमें जो ANM और GNM वालों के लिए जो है मौका मिल चुका है। अब सीधी सी बात है, इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें जो है अब इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इंटर पास जो है कर रहे नर्सिंग कोर्स करने वालों महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, प्रदेश में जल्द 9000 ANM की भर्ती आएगी होगी, और स्वास्थ्य विभाग ने जो लंबे अरसे से खाली चल रहे 9000 ANM के पदों को भरने के लिए अधिनियम सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया। ठीक है, प्रस्ताव के लिए जल्द के प्रस्ताव के साथ ही जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो आयोग से जल्द ही ANM का चयन करने के लिए कहा गया। ठीक है, इसमें चयन तो खैर होगा ही होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो देखिएगा इसमें जो है साफ साफ बताया गया है कि इसमें जो है केंद्र सरकार ने जो स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाने के लिए सामने लिखा हुआ है शिशुओं की जो देखभाल कर उन्हें अस्पताल तक पहुंचा कर वहां पर अपना जो है सेवा देने वाली ANM स्वास्थ्यकर्ताओं ने 23 जो थे पद के लिए बताया था इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से बताया था कि इसमें काफ़ी मुकदमे भी हैं। साफ साफ यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसमें साइंस एड की जो बाध्यता ख़त्म कर देगी लिखा हुआ है, सरकार ने ANM सेवा के लिए नियमावली में बदलाव जो है नियमावली भी बना ली है। ANM के लिए 2 साल नर्सिंग कोर्स के साथ इंटर साइंस की अर्हता मांगी जाती थी, लेकिन अब जो है किसी भी वर्ग से इंटर पास वाली महिला आवेदन का पात्र होंगी। ठीक है, अब जो कहने का मतलब यह है, इसमें केवल जो है पहले कहते थे केवल जो है साइंस से जो पढ़ी हुई लेडीज़ हैं केवल वही जो है वो कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो है यहाँ पे देखिए जूम कर दिएगा मैंने, और इसमें लिखा हुआ है इसमें जो है इंटर पास करने वाली महिलाओं के लिए पात्र होंगी, और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के तहत 2 साल के इसमें नर्सिंग कोर्स में डेढ़ नर्सिंग का 6 महीने में इस तरीके लिखा हुआ 18 से 40 वर्ष तक उम्र इसमें हो सकती है, ANM के लिए आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, शिशुओं की देखभाल करने के लिए सैलरी इसमें लिखा हुआ है कि 25,000 से 35,000 के बीच में इसमें सैलरी रहती है, मतलब जो है 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में जो है इसमें सैलरी रहेगी। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात पर ये जहाँ पे जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 69 भर्ती में पर्चा लीक, आपने देखा होगा कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी प्राइमरी के टीचरों की, उसमें भी पर्चा लीक हो रहा है। फिर इसके बाद LT ग्रेड आपने देखा हो, LT ग्रेड में भी पर्चा लीक हुआ था, जो हमारी लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष थी वो भी एक बार जेल जा चुकी हैं, पर कुछ नहीं होता UP के अंदर। आपने देखा होगा भर्ती आती हैं और लटक जाती हैं, विज्ञापन जो है अपना UP TGT PGT का देख लीजिए, 4 साल विज्ञापन हो चुके हैं, चार साल से कोई भी विज्ञापन नहीं निकला। अब UP टेट को ले लीजिए, UP टेट का भी जो है विज्ञापन अभी तक नहीं आया। सीधी से इसके बाद भर्ती एक और 51,000 वो भी लटकी हुई है। तो सीधी सी बात है, सबके सब तुम जानते हो, सब जो हैं इसमें सब चुनावी माहौल चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, पल पल की अगर इन्फॉर्मेशन ले ली किसी भी डिपार्टमेंट की, अगर कहीं भी नौकरी निकलती गवर्नमेंट या प्राइवेट या संविदा वाली, सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।